हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो अभी है हम लोग नागपुर स्टेशन में और हम लोग सुबह सुबह पहुंच गए हैं यहाँ पे स्टेशन। और मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ आप लोगों को आगे वीडियो में पता चल जाएगा, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहे। और अभी सुबह का टाइम है तो हमारी ट्रेन सुबह 5 बजे पहुँची है। तो यहाँ पे 27 की रात को हमारा ट्रेन था जो कि 11:30 बजे आने वाली थी और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे। यहाँ पे मैं, अनीता और ज्योति दी, हम तीन लोग जा रहे थे और पहली बार हम तीनों अकेले सफ़र कर रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी था और समझ नहीं आ रहा था क्या कैसे करना है। फिर हम लोग अपने सीट पर बैठ गए और फिर यहाँ पर हम लोग सो गए। और सुबह सुबह तो सुबह यहाँ पे 5 बजे हमारी ट्रेन भी पहुँच गई थी नागपुर के पहले एक इतवारी स्टेशन है वहाँ पे, क्योंकि ट्रेन नागपुर तक नहीं जाती तो हम लोग एक स्टेशन पहले उतर गए। और यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था और पहली बार हम तीनों जा रहे थे। हम लोग यहाँ पे दीदी के भाभी के यहाँ पे रुकने वाले थे जो कि वो यहीं पर नागपुर में रहती हैं। और मैं पहली बार लाइफ में आउट ऑफ स्टेशन गई हूँ और मैंने अपनी फैमिली वालों को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने भरोसा करके मुझे जाने दिया। तो यहाँ पे हम उनकी भाभी के यहाँ पहुँच गए थे और हम लोगों ने खाना वाना खा के रेडी हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग भाभी का वेट करने लगे क्योंकि हम लोगों को नागपुर के रास्ते का कोई ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो भाभी ने कहा कि मैं कैब बुक कर दे रही हूँ और आप लोगों को बता दूँगी कहाँ जाना है, तो वो भी हम लोग के साथ जाने के लिए रेडी हो रही थी। तो हम लोग यहाँ पर बैठ के वेट कर रहे थे। फ्रेंड्स, फैमिली वालों का सपोर्ट रहता तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, ये मैं आज जान गई। फिर हम लोग फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए और यहाँ हम हैं नागपुर के अमृत भवन पे, जहाँ पे लगा है ब्यूटी एक्सपो। ये 2 दिन का शो था तो यहाँ पे 28 तारीख का और 29 तारीख का शो था। तो फाइनली हम लोग अपना कार्ड ले लिए क्योंकि यहाँ पे बिना कार्ड की एंट्री नहीं थी। फिर हम लोग अंदर गए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े बड़े जो इंटरनेशनल ब्यूटी ब्रांड्स थे और जो नेशनल ब्यूटी ब्रांड्स हैं सब ने यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया हुआ था। यहाँ पे नेल आर्ट के भी, सिल्ड का जो नेल आर्ट है उसका भी स्टॉल लगा हुआ था और काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड का लगा हुआ था। तो हम लोग घूम फिर के देखने लगे तो यहाँ पे 2 स्टेज तो बने हुए थे, एक स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2। तो हम लोग फाइनली घूम घूम, हम लोग जल्दी पहुँच गए थे तो अभी शो स्टार्ट नहीं हुआ था, तो हम घूम घूम के हर जगह देख रहे थे कि कहाँ पे क्या है, कहाँ जाना है, क्या करना है। यहाँ पे एक एकेडमी का शो भी लगा हुआ था और बहुत सारे जो सैलून और एकेडमी होती हैं वो लोग अपना अपना स्टॉल लगाए थे। तो फिर यहाँ पे एक गेम खेलने के लिए हम लोग चले गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइज जितना किसको पसंद नहीं होता है, तो मैं इनके चैनल को सब्सक्राइब की, इनके चैनल को फॉलो की, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे गेम खेलने लगी। तो आप देख सकते हैं मुझे इस एकेडमी से 5% का 500 का वाउचर मिला था, जो कि अगर मैं इनके एकेडमी से कुछ भी सर्विस लेती हूँ तो मुझे उसमें 500 ऑफ मिलेगा। तो फाइनली ये तो नागपुर में था और मैं तो यहाँ भिलाई में रहती हूँ तो मुझे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा आता रहता है ऐसे गेम खेलने पर। फिर हम लोग ने थोड़ा सा और घूमा उमा, फिर उसके बाद हम चले गए अपने सीट पे। तो यहाँ पे पहले आओ पहले पाओ जैसा ही सिस्टम था, तो जो पहले आएगा उसको सीट पहले मिल जाएगी। तो यहाँ पे दीदी, मैं और अनीता हम लोग बैठ गए और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और नागपुर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। फिर हम लोग वेट करने लगे तो फाइनली जिस चीज़ का हम लोग इंतज़ार करते थे वो ख़त्म हुआ और यहाँ पे एक जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है, यासिका मेकओवर्स, आप लोग बहुत लोग जानते होंगे इनको, ये सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। तो वो यहाँ पे आ गई स्टेज शो करने के लिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये हम लोगों को मेकअप, अपना मेकअप दिखाने वाली थी। यहाँ पे जितने भी जो मेकअप आर्टिस्ट थे सबके पास 1 घंटा था, वो लोगों को अपना मेकअप दिखाना था और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था, जो कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है और हम लोगों को आइडिया हो जाता है कि हम लोगों को क्या करना है। फिर इनका वेलकम किया गया स्टेज पे और ये काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लग रही थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही थी। सबको पता है कि एसपीजी का काम पैसा है, बट ऐसी के मैम फर्स्ट टाइम में बैठक है तो सभी जगह हैप्पी हो ना। जोरदार क्लैपिंग हो जाए ऐसी का नाम के लिए। ऐसी के मैम आप कुछ बोलना चाहूंगी? हेलो एवरीबॉडी, हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही है, जोरदार फिर से एक बार, हेलो मैम, हेलो एवरीबॉडी, एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं और जो नहीं जानते उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे देती हूँ। हाय गाइस, आई एम यासिका सेगर, सेलिब्रिटी इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट फ्रॉम दिल्ली।
I have trained more than 50,000 students till now and I have done more than 5 leg rides. So, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ बहुत कुछ. जितना मुझसे बेस्ट हो पाएगा, जितनी एजुकेशन मेरे पास है, जो मैंने आज तक किया है, I want to deliver you all पूरा दिल खोल के. Guys, यहाँ पे आपको वो I have started my career with Juhi Chawla. Recently, Nora Fatehi. अभी हमारा अपकमिंग इवेंट आ रहा है with Katrina Kaif in March itself. Kiara Advani in April. Because मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं कहने के लिए सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हूँ. यू जस्ट चेक द नेम. अक्षय कुमार. हाँ, ड्रीम शाहरुख खान का नहीं किया, वो करना बाकी है. ओके, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा मैम, क्योंकि आप जिस तरीके से पे मैम ने अपने मॉडल के ऊपर मेकअप भी स्टार्ट कर दिया था और ये काफ़ी ज़्यादा हम लोगों के लिए यूज़फुल था, क्योंकि वो सब हम लोगों को बताने वाले थे कि वो लोग किस प्रोडक्ट से मेकअप करते हैं और उसकी बारीकियाँ, जो भी उनके हैक्स वगैरह थे, सारे वो लोग शेयर कर रहे थे. तो हम जैसे छोटे मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है. और फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट आने वाले हैं, आप लोगों को मेरे आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा. तो फाइनली उनकी बहुत सारा फन, बहुत सारी एजुकेशन. इनफैक्ट आप हमारा इंस्टाग्राम और यूट्यूब फॉलो करना ना भूलें, वहाँ पे बहुत स्पेशल स्पेशल हैक्स डाले जाते हैं, एजुकेशन दी जाती है. रेस्ट आपको क्या चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी जरूरतों को सब फुलफिल करेंगे. मैं एसपी के ऑर्गेनाइजेशन से मैं बुलाना चाहूंगा मैम को और एसपी के ऑर्गेनाइजेशन से. के नंबर पे थी दक्षा सोशा मैम, जो कि एक स्किन एक्सपर्ट हैं, एक कॉस्मोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं, और इनका जो ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है सोशल मीडिया पे. खूबसूरती इनरी होती है जो घर की जिम्मेदारी और हार्डवर्क से आती है. सो ये आप में है, उस वजह से आप आज यहाँ पर हो. तो अगर आप मुझे अपना प्यार दोगे तो मैं अपना प्यार और ज़्यादा एजुकेट. जो होते हैं वहाँ पर जो डर्ट होता है, डेब्रीज होती है, या पोर्स पर जो भी सीबम होता है, जो भी डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसे वहाँ से एक्सफोलिएट करता है. उनका शो अटेंड करने के बाद हम लोगों को बहुत ज़ोर से भूख और प्यास लग रही थी, तो हम लोग बाहर आ गए और गन्ना जूस पिए, फिर कुछ खाए, फिर हम अपने वापस अपने सीट पर चले गए. फिर उसके बाद फिर एक मेकअप आर्टिस्ट आ गई थी, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेकअप आर्टिस्ट थी. तो ये सारे यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट थे, जो कि अपने जो ब्यूटी जो एक्स ब्यूटी एक्सपीरियंस होते हैं हमारे साथ शेयर कर रहे थे, अपने वर्क हमारे साथ शेयर कर रहे थे. तो काफ़ी अच्छा लग रहा था. अब इनका फाइनल लुक देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी जो ये यहाँ पे मॉडल थी. Stall number is C1, C2, C3, C4. All the international brands you are looking for, you will find over here at the. और एक चीज है, गलतफहमी आप लोग आज क्लियर कर लीजिए. आप आर्टिस्ट कपड़ों से, आपके रहन सहन से नहीं, आपके काम से पहचाना होंगे, है ना. एक्सपो अटेंड करने के बाद हम लोग काफी ज्यादा थक गए थे और शाम के टाइम हम अपने रूम की तरफ आ गए थे और हम लोग बहुत ज्यादा थक गए थे. फिर हम लोग जाके घर पे सो गए और शाम को उठे तो यहाँ पे जो दी थी भाभी की हेल्प कर रही थी, भाभी वैसे कोई हेल्प करने दे नहीं रही थी, फिर भी दी उनकी हेल्प कर रही थी और हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे.
फिर हम सब लोगों ने खाना खाया, फिर उसके बाद हम चले गए सोने के लिए। तो यहाँ पे मैं और दीदी मस्ती कर रहे थे सोते टाइम, और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की। फिर यहाँ पे हम लोग बहुत देर तक बातें भी कर रहे थे और बहुत मस्तियाँ भी कर रहे थे, क्योंकि नई जगह पे नींद जल्दी आती नहीं है। लेकिन हम लोगों को नेक्स्ट डे भी जाना था, और मेन चीज़ें नेक्स्ट डे में था जिसके लिए हम लोग इतने दूर आए हुए हैं। फिर फाइनली हम लोगों ने मस्ती वगैरह करके सो गए, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठना था। और ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।